हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर प्लेनेट। माय सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी, योर फिजिक्स मेंटर। रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लेंस मेकर फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर लेंस। लेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेंस के सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक अच्छा लेक्चर होने वाला है आज। तो ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें। देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला तो आप सबको पता है कि क्या होता है। लेंस मेकर फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। फिर आता है r1 r2। r1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस एंड r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। क्लियर? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट इसका, वो है फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड इन एयर। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि अगर लेंस आपका इक्विकॉन्वेक्स हो और वो एयर में प्लेस्ड हो, ठीक है, तो एयर में प्लेस्ड एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। लेंस में का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये एयर में प्लेस्ड है तो एयर का तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है, और लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में म्यू सपोज कर लेता हूं। क्लियर? अब आप देखो, रेज अगर इधर से आ रही है तो फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगी वो इधर आएगी। तो r1 की वैल्यू, बिकॉज r1 जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये c1 है, तो r1 जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो r1 की वैल्यू आती है प्लस r, जबकि r2 का जो मेजरमेंट होगा वो रे के अपोजिट होगा, तो r2 की वैल्यू आती है माइनस r। अब हम फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, फॉर्मूले को हम काम में ले रहे हैं, तो हमें साइन कन्वेंशन प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन का एक इंपॉर्टेंट रूल आपको पता है, इन द डायरेक्शन ऑफ रेज जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वो नेगेटिव होती है। तो r2 की वैल्यू नेगेटिव है, r1 की वैल्यू पॉजिटिव है। और ये कौन सा लेंस है? इक्विकॉन्वेक्स लेंस। दैट्स व्हाई देखो, r1 की वैल्यू r और r2 की वैल्यू r, दोनों r मैंने यहां पे इक्वल पुट किए हैं, बिकॉज लेंस कौन सा है? इक्विकॉन्वेक्स है। और ये फोकल लेंथ किसकी होती है? ये होती है बाइकॉन्वेक्स लेंस की, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होती है। बट यहाँ पे इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, कहाँ पे प्लेस्ड है? एयर में। तो इसकी फोकल लेंथ हम इजीली निकाल सकते हैं। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, देखो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1 अपॉन f म्यू, मीडियम का तो 1 है, म्यू माइनस 1, देख लो आप म्यू एल एम जो आएगा हमारे पास, ये जो म्यू एल एम लिखा मैंने यहां पर, ये क्या होगा? म्यू एल अपॉन म्यू एम, ठीक है, माइनस 1। म्यू एल एम की वैल्यू क्या होती है? म्यू एल अपॉन एम माइनस 1। 1 अपॉन r1 की जगह तो आएगा प्लस r, माइनस r2 की जगह आएगा माइनस r, ठीक है। तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो एक तो म्यू एल, तो म्यू एल जो मैंने लिया वो तो है म्यू, और मीडियम क्या है? एयर है, तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, और यहां पर आएगा 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r। क्लियर? तो हम देखो सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन f की वैल्यू जो आई हमारे पास, 1 अपॉन f की वैल्यू होगी म्यू माइनस 1, 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r क्या हो जाएगा? 2 अपॉन r। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखो यहां लिख देता हूं, 1 अपॉन f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 2 अपॉन r, ये आ गया 1 अपॉन f की वैल्यू, म्यू माइनस 1 2 अपॉन r, और f की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा r अपॉन 2 म्यू माइनस 1। ये है फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड इन एयर। तो फोकल लेंथ आ जाएगी r अपॉन 2 म्यू माइनस 1, r अपॉन 2 म्यू माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास था इक्विकॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, फर्स्ट पॉइंट, राइट। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पॉइंट पर। तो सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विच इज प्लेस्ड इन एयर। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जैसा कि आपको पता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये आएगा, राइट। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये है, तो r1 की वैल्यू आप मुझे बताएं, r1 की वैल्यू, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, और r2 की वैल्यू आएगी माइनस r, क्योंकि r2 का मेजरमेंट इधर होगा, ठीक है। तो मैं चाहे कॉन्वेक्स लेंस ऐसे प्लेस करूं, चाहे मैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे प्लेस करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये इधर से रेज आ रही है, तो r1 की वैल्यू हो जाएगी प्लस r, और r2 की वैल्यू हो जाएगी, r2 कैसी सेकंड सरफेस, कैसी प्लेन है ना, तो r2 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट।
चाहे आप आर वन की वैल्यू इन्फाइनाइट रखो तो आर टू की वैल्यू माइनस आर रखनी पड़ेगी, चाहे आप आर वन की वैल्यू प्लस आर रख लो और आर टू की वैल्यू इन्फाइनाइट रखनी पड़ेगी, इन्फाइनाइट रखनी पड़ेगी आर टू की वैल्यू। तो हम दोनों केस में, चाहे दोनों केस है हमारे पास, ये लें चाहे ये लें, फॉर्मूला लगाए लेंस मेकर फॉर्मूला, तो वन अपॉन एफ म्यू माइनस वन, क्योंकि मीडियम तो क्या एयर है, लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू ले लिया। अब यहां पर देखो वन अपॉन आर वन, आर वन की वैल्यू में अगर इन्फाइनाइट ले लेता हूं तो आर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आर, ठीक है, और अगर मैं आर वन की वैल्यू आर ले लेता तो ये इन्फाइनाइट हो जाता, कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ये केस लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर ये केस लेते हैं तो ऑलरेडी प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ देखो आप, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस वन, यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन आर, तो यहां से फोकल लेंथ निकालें तो एफ इक्वल्स टू आएगा आर अपॉन म्यू माइनस वन। ये फोकल लेंथ है किसकी, ये फोकल लेंथ है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी एफ अपॉन आर म्यू माइनस वन, और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है आर अपॉन टू म्यू माइनस वन। तो आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचें, आप बताएं अगर लेंस इक्वी कॉन्वेक्स था और प्लेनो कॉन्वेक्स था तो आप मुझे बता सकते हो किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, सोचो थोड़ा सा। ये है फॉर्मूला आर अपॉन म्यू माइनस वन, इससे पहले था आर अपॉन टू म्यू माइनस वन, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी और क्या रिलेशन होगा इक्वी कॉन्वेक्स में और प्लेनो कॉन्वेक्स में। तो मैं सपोज करूं, देखो प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए मैं इसको एफ डैश लिख देता हूं, प्लेनो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या है एफ डैश, तो एफ डैश की वैल्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन, और इक्वी कॉन्वेक्स की हम बात करें तो इक्वी कॉन्वेक्स की वैल्यू एफ आर अपॉन म्यू माइनस वन टू है, इस टू को अगर मैं ले जाऊं तो टू एफ आ जाएगा, तो आर अपॉन म्यू माइनस वन की वैल्यू यहां से निकालें, यहां से आपको आर अपॉन म्यू माइनस वन की वैल्यू निकालनी हो जाएगी टू एफ, तो आर अपॉन म्यू माइनस वन की वैल्यू टू एफ है, तो यहां रख दूं अगर मैं तो यहां पे आ जाएगा टू एफ, एफ की वैल्यू क्या थी आर अपॉन टू म्यू माइनस वन, तो आर अपॉन टू मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एफ डैश लिखता हूं तो ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का डबल आती है, फोकल लेंथ डबल हो जाती है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ से, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ डबल आती है, ठीक है। इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हो, देखो आपके पास दो लेंस हैं, एक तो लेंस ये हो गया, इसकी थिकनेस दिख रही है आपको, एक लेंस ये हो गया, तो ये तो फुल है, ये आधा लेंस है, ठीक है, ये पूरा लेंस है, आधा लेंस है। मान लो कोई रे आती है इस तरह से, तो ये पूरा लेंस है, ये उसको कन्वर्स करता है, ये उसको कन्वर्स कर रहा है इस तरह से यहाँ पर, जबकि आधा ही है, तो आधा पार्ट उसका कन्वर्जन कर रहा नहीं, आधे कन्वर्स करेगा तो आगे करेगा, तो इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ में आपको डिफरेंस दिख रहा है, फोकल लेंथ दिख रही है आपको, भाई फोकल लेंथ किसकी दिया, देखो इस वाले की, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है, दिख रहा है आपको फोकल लेंथ, देखो ये इसकी फोकल लेंथ है और ये इसकी फोकल लेंथ, देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में क्या हुआ, जो लेंस का काम होता है रेज को कन्वर्स करना, अब लेंस को आपने आधा काट लिया तो आधा लेंस रहा ही नहीं, तो कन्वर्स कौन करेगा, तो कन्वर्स नहीं करेगा, इसका मतलब लेट कन्वर्स होगा, लेट कन्वर्स होगा मतलब स्लोली कन्वर्ज होगा, इसका मतलब दूर जाके कन्वर्ज होगा, तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ये पूरा लेंस है, ठीक है, दो पार्ट मान लो, इसके दो पार्ट मान लो, तो दो दो बार कन्वर्ज होता है, तो जल्दी कन्वर्ज हो जाता है, फोकल लेंथ यहाँ पे कम आती है, और ये कन्वर्ज कम कर पाएगा क्योंकि आधा लेंस है, तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, इसकी फोकल लेंथ डबल हो जाती है, ठीक है। अब इसी को अगर आप पावर से समझो, पावर से आपको पता है लेंस की पावर, हम पढ़ेंगे पावर का टॉपिक, बट आपको इतना तो पता है पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू होता है वन अपॉन एफ, एफ का इनवर्स पावर होता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो बढ़ गई, फोकल लेंथ हो गई ट्वाइस, तो पावर तो आती हो जाएगी ना, ये तो आपको समझ आ रहा है, इसकी पावर क्या है पी है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी आधी, क्यों, क्योंकि दिख रहा है साफ ये थिक लेंस है, ये आधा ही लेंस आया तो पावर आधी होगी, ये पूरा लेंस है दो पार्ट का है कॉम्बिनेशन, तो ये पावर यहां पर डबल होगी, इसकी पावर आधी होगी। जबकि फोकल लेंथ की बात करें तो इसकी फोकल लेंथ एफ है, तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी टू एफ, इसकी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बढ़ गई बट पावर क्या होगी आधी, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एफ थी बट पावर क्या थी, इससे पावर इससे डबल थी, फोकल लेंथ क्या है इसकी आधी है। तो फोकल लेंथ और पावर की बात करें तो इनवर्स रिलेशन है, यहां फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा है, यहां फोकल लेंथ क्या हो गई ज्यादा हो गई तो
पावर क्या होगी, इसी कम होगी। ठीक है, तो आप फोकल लेंथ से समझे या पावर से समझे, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये पावर, इसकी पावर ज्यादा होगी, इसकी पावर कम होगी। हम जितने लेंसेस यूज करते हैं हमारी पावर बढ़ सकती है, पावर बढ़ाने के लिए आप बहुत ज्यादा लेंसेस यूज कर सकते हो। तो ये आधा लेंस है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, हमारे आगे भी काम आएगा, पॉइंट क्लियर है आपको। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस से डबल आती है। चलो आओ नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, इफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ हैव इज कट इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स हॉरिजॉन्टली। अब यहां पर ये सब केसेस हैं, ये सब डिफरेंट केसेस हैं, और हर एक केस पे एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स लेंस के मेकर्स फॉर्मूले के इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से पढ़ें। तो ये वाला पॉइंट क्या बताता है, देखो आपके पास एक लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ हो गई एफ, राइट। इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, हॉरिजॉन्टली कट कर दिया इसको, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टली कट करने पर इसके दो पार्ट हो जाएंगे, पहला पार्ट ये आएगा हाफ पार्ट ऊपर वाला, सेकंड पार्ट ये आएगा नीचे वाला, तो दो पार्ट हो गए। ठीक है, अब मुझे दोनों पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, आप मुझे बताओ ईच पार्ट की फोकल लेंथ एफ डैश है, चाहे ये लें चाहे ये वाला लें, तो फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट आएगा ये आपको बताना है। सोच के बताओ कि अगर लेंस को हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं हम, तो इसकी फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट आएगा, फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा। ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, आपने फोकल लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा, एफ का जो फॉर्मूला था वो था म्यू माइनस वन अपॉन टू आर, सॉरी आर अपॉन टू म्यू माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका था, फोकल लेंथ का। तो ये इसकी फोकल लेंथ है, तो इसकी अगर आप कट करोगे तो इसकी रेडियस पे इफेक्ट आया क्या, नहीं आया। क्या इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, सेम रहेगी। तो एफ डैश इक्वल्स टू क्या होगा, एफ। फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सो फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल रिमेन सेम। इसके बाद आप लिख सकते हो पार्ट्स आइडेंटिकल पार्ट्स कट इन हॉरिजॉन्टली, तो आइडेंटिकल पार्ट्स टू इक्वल पार्ट्स हुए, तो फोकल लेंथ रिमेन सेम, फोकल लेंथ रिमेन सेम, पावर रिमेन सेम। ठीक है, बट फर्क पड़ेगा, इफेक्ट आएगा तो किस बात का, वो सोचो आप, क्या इफेक्ट आएगा, कैसे आएगा। इसमें आप देखें, अगर आप पूरा लेंस काम में लेते हो, तो पूरा लेंस काम में लेते हो तो कितनी रेस को कन्वर्ट करेगा, फोर रेस को। कितनी रेस को कन्वर्ट करेगा, फोर रेस को। अगर आप आधा लेंस काम में लोगे तो टू रेस को कन्वर्ट करेगा, बिकॉज इसका जो एपर्चर है, इसका जो इफेक्टिव पार्ट है वो आपका कम हो गया। तो कट करने से फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं है, फोकल लेंथ रिमेन, एफ रिमेन्स सेम, एफ रिमेन्स सेम, पावर भी सेम है, एफ और पावर दोनों कह सकते हो, पावर एंड फोकल लेंथ रिमेन्स सेम। बट क्या इफेक्ट आएगा, बट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो आती है इमेज की, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी डिपेंड्स एपर्चर, एपर्चर मतलब आपने पढ़ा था इफेक्टिव डायमीटर, इंटेंसिटी एपर्चर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपने यहां पर देखो एपर्चर फुल है, यहां पर आपने एपर्चर आधा कर दिया, तो आधा कर दिया तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वन फोर्थ हो जाएगी। यहां पे जो इमेज बनेगी, अगर ये लेंस इमेज बनाता है तो उसकी इंटेंसिटी आई है, और ये लेंस जो इमेज बनाएगा यहां पर उसकी इंटेंसिटी मिलेगी आई बाय फोर, बिकॉज एपर्चर आधा, इंटेंसिटी वन फोर्थ। इंटेंसिटी एपर्चर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दैट्स व्हाई इंटेंसिटी बिकम्स 1/4। क्लियर, तो ये केस था जिसमें लेंस को हॉरिजॉन्टली कट किया था, इंपॉर्टेंट केस था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस देखो, इफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंस इज कट इनटू आइडेंटिकल पार्ट्स वर्टिकली, पहले हॉरिजॉन्टल है अब वर्टिकली कट है, तो वर्टिकली अगर लेंस को कट करेंगे तो सोचो क्या होगा, लेंस को मैंने वर्टिकली कट कर दिया ऐसे, अब वर्टिकली कट किया, सॉरी ये तो हॉरिजॉन्टल कट हुआ, वर्टिकली कट किया, तो वर्टिकली कट करेंगे तो इसके दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे आपको, वो कैसे मिलेंगे, देखो ये वर्टिकली कट कर दिया ऐसे, तो इसके दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे आपको, पहला ये फर्स्ट पार्ट है, दूसरा ये सेकंड पार्ट है। तो इसकी फोकल लेंथ एफ हो गई और इसकी फोकल लेंथ एफ डैश। अब आप बताएं फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं,
फर्स्ट टू इंपॉर्टेंट केसेस में, फर्स्ट टू इंपॉर्टेंट केस क्या थे, फर्स्ट केस था इक्विकॉन्वेक्स और सेकंड केस था प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इसकी फोकल लेंथ एफ है, तो इसकी फोकल लेंथ आपको बताया ट्वाइस हो जाती है, डबल हो जाती है। हम पावर के फॉर्म में पढ़ चुके हैं, इसकी पावर पी है तो इसकी पावर आधी हो जाएगी, पावर आधी हो जाएगी तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। क्लियर? तो अगर हम लेंस को वर्टिकली कट करते हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ एफ बिकम्स ट्वाइस, एफ बिकम्स ट्वाइस। फोकल लेंथ की बात करेंगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी एंड पावर पी बिकम्स हाफ, पावर क्या हो जाएगी, पावर हाफ हो जाएगी। ये था हमारा केस हॉरिजॉन्टल कट करने के बाद वर्टिकली कट का, कि हम वर्टिकली कट करते हैं तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी और पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है? बट इंटेंसिटी की अगर बात करें तो इंटेंसिटी तो एपर्चर पर डिपेंड करती है, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम रहेगी। इंटेंसिटी आप कह सकते हो इसमें इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज, इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि इंटेंसिटी तो एपर्चर पर डिपेंड करती है और एपर्चर आपने बढ़ाया नहीं। जितनी लाइट फोर रेज ये कलेक्ट कर रहा था, ये वाला लेंस पूरा लेंस फोर कलेक्ट कर रहा था, तो ये भी तो फोर रेज कलेक्ट करेगा। तो इंटेंसिटी लाइट की, इमेज की इंटेंसिटी, बिकॉज सेम लाइट आ रही है तो इंटेंसिटी सेम रहेगी, बट ये जल्दी इमेज बनाएगा, इसकी फोकल लेंथ डबल होगी तो थोड़ा दूर इमेज बनाएगा, इतना डिफरेंस रहेगा। क्लियर? अब आप देखो नेक्स्ट केस में, अगला केस वापस लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए। इफ अ लेंस इज मेड ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट देन नंबर ऑफ इमेजेस। एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट अगर हम लेंस पे स्ट्राइक करें, फिक्स वेवलेंथ है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, बट जो आपका लेंस है वो लेंस डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, जैसे ये लेंस है, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आपने लिया, जैसे आप देखो फर्स्ट ये आ गया तो ये आपका एक मीडियम हो गया, सेकेंड मीडियम आपका अलग है, थर्ड ये वाला मीडियम वापिस ये ले लिया मैंने, फोर्थ मीडियम आपका अलग है और ये वाला मीडियम वापिस ले लिया। तो सपोज करो कि ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू वन और ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, ये वापस म्यू वन आ गया, ये वापस म्यू टू आ गया, ये वापस म्यू वन आ गया। तो कितने डिफरेंट मटेरियल हो, मेड नंबर ऑफ लेयर्स, ये अलग अलग लेयर्स का आपने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अलग अलग लेयर्स की, अलग अलग मटेरियल की आपने लेयर्स बना रखी है। तो यहां पर बोला है नंबर ऑफ इमेजेस। अब इमेज बनती है फोकस पर और फोकस जो होता है 1 अपॉन f इक्वल्स टू आपको पता है म्यू माइनस 1 समथिंग चल रहा है, मतलब फोकस जो होता है वो म्यू पर डिपेंड करता है। फोकस 1 अपॉन f फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है f इक्वल्स टू आपने लिखा r अपॉन 2 म्यू माइनस 1, कुल मिलाकर फोकल लेंथ और म्यू का इनवर्स रिलेशन है, मतलब डिपेंड करता है, फोकल लेंथ म्यू पर डिपेंड करती है। अब यहां पर आप देखो कितने म्यूज हैं, तो μ1 के लिए फोकल लेंथ f1 आएगी, μ2 के लिए f2 आएगी, μ1 के लिए f1 आएगी, μ2 के लिए f2 आएगी और μ1 के लिए f1 आएगी। ठीक है? तो अगर रेज आएंगी यहां पर, रेज अगर स्ट्राइक करती है इस तरह के लेंस पर, तो इस तरह के लेंस पर रेज स्ट्राइक करेंगी तो दो फोकस पॉइंट हो गए f1 एंड f2, दो फोकल लेंथ हो गई f1 f2, तो इमेज भी आपकी दो जगह बनेगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस की अगर बात करें तो उसमें आपको दिख रहा है दो मीडियम्स हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस यहां पर क्या बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस बिकॉज दो फोकल है, दो फोकल लेंथ है, नंबर ऑफ इमेजेस यहां बनेगी टू। तो जितने मीडियम होंगे उतनी इमेजेस फॉर्म होती हैं, क्योंकि डिफरेंट जितने मीडियम होंगे उतने फोकस होंगे और जितने फोकस होंगे रेस हर जगह हर फोकस पर कलेक्ट होती है, कन्वर्ज होती है, फोकस होती है, तो जितने फोकस उतनी इमेजेस बनती है। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस टू, बिकॉज नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोकस, और यहां पर फोकस कितने हैं दो, तो दो इमेजेस बनी। क्लियर? अब हमने जैसे फॉर्मूले पढ़ लिए अभी तक, तो अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े से कुछ न्यूमेरिकल करें, एक साथ सारी थ्योरी पढ़ोगे बोर हो जाओगे, तो न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस हैज अ पावर ऑफ 5 डायोप्टर, इफ इट्स मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ईस्ट सरफेस विल बी। बड़ा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, कौन सा लेंस है इक्विकॉन्वेक्स, ठीक है इक्विकॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला पुट कर देते हैं r अपॉन 2 म्यू माइनस 1,
तो यहां से आपसे पूछा रेडियस, तो आर ही तो निकालना है। आर इक्वल्स टू क्या होगा, आर इक्वल्स टू हो जाएगा एफ इंटू टू म्यू माइनस वन। बट यहां पर फोकल लेंथ गिवन नहीं है, बट यहां आपको क्या गिवन है, पावर। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, कह देखो वन अपॉन एफ जो हमने पहले पढ़ा था वो था म्यू माइनस वन टू अपॉन आर, और वन अपॉन एफ क्या होता है, पावर होता है। मैंने आपको बताया वन अपॉन एफ पावर होता है, तो पावर कितनी है, फाइव है। तो यहां पर तो मैं पुट कर दूंगा फाइव इक्वल टू, पावर की यूनिट क्या होती है डायोप्टर, म्यू गिवन है 1.5 माइनस वन, ठीक है टू अपॉन आर, राइट। तो फाइव ये आ गया 1.5 माइनस वन, ये क्या होगा 1.5 माइनस वन 0.5, 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 2/r, 2 से 2 काट देते हैं, ठीक है। तो r की वैल्यू आ जाएगी 1/5, r की वैल्यू आ गई 1/5 मीटर। अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100/5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई 20 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट 20 सेंटीमीटर। इक्विकॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर 5 है, फोकल लेंथ होगी 1/5 मीटर में, तो उसके लिए अकॉर्डिंग हमारे पास रेडियस ऑफ जो फॉर्मूला आया वो है, रेडियस कैलकुलेट किया हमने आया 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड मैकेनिकल था, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इसमें मुझे। ये भी आगे पढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट देखो, ये देखो नेक्स्ट, अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स एज शोन इन फिगर फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड इज। तो आप क्लियर है, फिगर की जरूरत नहीं, आप समझ लो मेड अप ऑफ 3, इसमें कितने मटेरियल्स दे रखे हैं, देखो कितने मटेरियल्स हैं, 3 हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ 3 मटेरियल्स, अब लेंस में 3 मटेरियल होंगे, तो 3 मटेरियल होंगे मतलब 3 डिफरेंट म्यू हैं, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3, तो 3 डिफरेंट फोकल लेंथ आएंगे f1 f2 f3। नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोकस, और नंबर ऑफ फोकस कितने हैं यहां पे 3, तो आंसर आ जाएगा इसका 3, कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी 3, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट और देख लेते हैं न्यूमेरिकल। ये अब ये न्यूमेरिकल देखो, ये न्यूमेरिकल है प्लेनो कॉन्वेक्स का। इफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विल बी। अब आपको पता है, देखो बेटा आपको पता है इसमें कौन सा लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ थी आर अपॉन म्यू माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं, फोकल लेंथ रखी 30 सेंटीमीटर पुट कर दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 10 सेंटीमीटर पुट कर दिया अपॉन म्यू माइनस वन। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं, दोनों साइड सेंटीमीटर है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हुआ, क्या आया 3, तो म्यू माइनस वन यहां लिख दो और यहां आ जाएगा 1/3, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1+1/3 मतलब आ गया 4/3, तो आंसर आ गया म्यू का 1.33। तो उस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका थर्ड, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, इजीली आप कर सकते हो। चले आगे नेक्स्ट केस, हमने कौन सा केस पढ़ लिया था, हमने केस पढ़ लिया था ये वाला जिसमें नंबर ऑफ इमेजेस की बात चल रही थी, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मीडियम्स। नाउ नेक्स्ट केस, अगला केस देखो, इफ हाफ पोर्शन ऑफ लेंस इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। अब हाफ पोर्शन ऑफ द लेंस इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, अब हाफ पोर्शन ऑफ द लेंस कवर्ड बाय ब्लैक पेपर है, तो आप सोचो इसमें ब्लैक पेपर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा। सो इस केस में आप देखो क्या होगा, आपका लेंस है इस तरह से, ये लेंस है, लेंस का हाफ पार्ट ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, मतलब ब्लैक पेपर से कवर कर दिया मतलब हाफ पार्ट जो है इसका उसमें लाइट आपकी नहीं जाएगी, हाफ पार्ट आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ये रोक दिया लाइट। अब जो रेज होंगी लाइट की वो केवल ऊपर वाली रेज ही जाएंगी, नीचे वाली रेज तो ब्लैक पेपर ने कवर कर लिया,
तो ये तो जाएंगे नहीं, तो ये वाली रेज ही यहां पर कलेक्ट होती है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचो हाफ पोर्शन अगर आपका ब्लैक पेपर से कवर होगा तो दिमाग में क्या आता है कि आधी रेज आई हैं तो क्या इमेज आधी बनेगी, आधा कवर कर देंगे तो क्या इमेज आधी बनेगी कि पूरी बनेगी, सोचो पहले। इमेज यहां पर पूरी बनेगी, बट इमेज तो पूरी बनेगी बट चार की जगह दो रेज आती है तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, इंटेंसिटी कम होगी बट इमेज आपकी कंप्लीट होगी। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट इमेज, यहां पर हम लिखेंगे कंप्लीट इमेज, कंप्लीट इमेज विल फॉर्म बट इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बट इंटेंसिटी रिड्यूसेस बिकॉज आपने आधा पार्ट कवर कर लिया, आधी लाइट को आप जाने नहीं दे रहे हो तो आधी लाइट ही जाएगी बट इमेज पूरी बनेगी। ठीक है, इसका आप वैसे भी कॉन्सेप्ट ले सकते हो, आप जैसे आपने मिरर देखा होगा तो एक बड़ा मिरर है तो बड़े मिरर में आपकी एक इमेज दिखेगी, उस मिरर के आप कितने भी टुकड़े करो, उस मिरर के आप कितने भी पार्ट्स कर लो, कितने भी पीसेस कर लो, हर पीस में आपको अपनी इमेज दिखाई देगी। बड़े मिरर के आप 100 पीसेस कर लो तो आपको 100 इमेजेस अलग अलग दिखाई देती हैं, हर पीस अपने आप में कैपेबल होता है इमेज बनाने के लिए। इसी तरह से लेंस का एक एक टुकड़ा अपने आप में कैपेबल है रेस को फोकस करने के लिए, तो जितने टुकड़े होंगे हर टुकड़ा अपनी इमेज, हर टुकड़ा ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकता है। तो इसके मैं मान लेता हूं कि आधा टुकड़ा है तो वो भी इमेज बनाएगा, तो इमेज तो कंप्लीट बनाएगा बट टुकड़े होते जाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब चले आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं सनग्लासेस और गॉगल्स की। तो सनग्लासेस जो हमने देखे हैं, एक तो ग्लास, एक तो लेंस वाला जो होता है, स्पेक्स होते हैं जो, उसमें तो लेंस लगाया जाता है, उसकी फोकल लेंथ होती है। बट सनग्लासेस जो होते हैं उनकी फोकल लेंथ क्या होती है बताओ, क्या वो कुछ फोकस कर रहे हैं, क्या वो किसी आई डिफेक्ट को दूर करने के लिए लगाया है, आई डिफेक्ट मतलब जो उसकी फोकल लेंथ या पावर कम ज़्यादा हो जाती है, नहीं। सनग्लासेस जो होते हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए या उनकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, क्या कोई सनग्लासेस का नंबर होता है, नहीं होता। तो सनग्लासेस का अगर कोई नंबर नहीं होता इसका मतलब पावर क्या होती है, जीरो, ना तो +1 +2 ना -1 -2। तो पावर जीरो है तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ 1/P मतलब 1/0, तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट। और फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है सनग्लासेस की, तो ग्लासेस जो सनग्लासेस हैं उनका शेप कुछ इस तरह से होता है, ये फर्स्ट रेडियस और ये सेकेंड रेडियस, उनका शेप कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ऐसा बना लें फर्स्ट रेडियस और सेकेंड रेडियस। अब रेज इस तरह से आ रही है, मान लो तो रेज इस तरह से आ रही है, तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस जो आएगी R1 ये आएगी +R, और सेकेंड सरफेस की जो रेडियस आएगी R2 वो भी क्या होगी, +R, क्योंकि दोनों की दोनों का सेंटर उधर है, दोनों का रेडियस ऑफ सॉरी दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर ही है, दोनों की रेडियस मेजर करेंगे हम इन द डायरेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट, तो दोनों की रेडियस पॉजिटिव है। तो मैं फोकल लेंथ निकालूं, देखो 1/F इक्वल्स टू क्या होता है, μ - 1, म्यू तो आपने जो ग्लास लिया है सनग्लासेस जो ग्लास लिया है म्यू है, और 1/R1 की जगह आएगा +R, -1/R2 की जगह ये आएगा +R, तो ये हो गया 0, तो 1/F इक्वल्स टू हो जाएगा 0, मतलब फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट। तो सनग्लासेस ऐसे ग्लासेस होते हैं, होते ग्लास के हैं बट उसकी दो सरफेस होती हैं, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होती है और सेम डायरेक्शन में होती है, ओवरऑल फोकल लेंथ क्या मिले ताकि इनफाइनाइट। सनग्लासेस की जो प्लेन ग्लासेस सनग्लासेस होते हैं, प्लेन ग्लासेस भी कह सकते हैं हम उनको, और उनकी पावर क्या होती है, जीरो होती है, फोकल लेंथ उनकी इनफाइनाइट होती है। क्लियर, तो ये सनग्लासेस की बात की हमने। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अब हम बात कर रहे हैं इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। अब आपका जो लेंस है, इस लेंस को हम डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिप कर सकते हैं, इमर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लेंस से कम है तो जनरली कम ही होता है, राइट? तो जनरली आप देखो जैसे मीडियम होता है तो एयर होती है, तो मीडियम एयर होती है और लेंस ग्लास का या प्लास्टिक का होगा इन जनरल, तो यही होता है। ठीक है, तो इन जनरल ये होगा, तो ये हो गया म्यू एम और ये हो गया म्यू एल। ठीक है, तो हम जो फोकल लेंथ निकालेंगे 1/F वो आता है म्यू एल अपॉन म्यू एम -1
फिर यहाँ पे 1/r1 1/r2 आते ही हैं, 1/r1 - 1/r2 लिखा जाता है। तो आप देखो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है मीडियम का कम है तो ये वाली जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, ठीक है, जनरली पॉजिटिव आनी चाहिए। ये वाली जो ओवरऑल वैल्यू है क्योंकि म्यू एल बड़ा है म्यू एम बड़ा है तो म्यू एल अपॉन म्यू एम जो की जो वैल्यू आएगी इट इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 सपोज करें 1.2 हो 1.3 हो 1.5 हो 1.8 हो 2.2 हो कुछ भी हो, इसमें से 1 माइनस करेंगे बिकॉज ये वैल्यू आपकी एक से बड़ी है तो एक से बड़ी वैल्यू में से एक माइनस करोगे तो ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी। फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो हम कौन सा लेंस लेंगे कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है और अगर हम कॉनकेव लेंस लेते हैं तो फोकल लेंथ नेगेटिव आती है ड्यू टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो फोकल लेंथ कैसी आ रही है पॉजिटिव, कॉनकेव लेंगे तो अपने आप रेडियस उसकी नेगेटिव होती है तो माइनस आती है। तो ये ध्यान होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर नॉर्मल केस है, जनरली मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ही होता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट केस जो जनरल हम काम में लेते हैं। इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल केस देखो, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, लेंस का और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, म्यू एम इक्वल्स टू म्यू एल। अब आप ध्यान से देखो फॉर्मूला निकाले, 1/f फॉर्मूला है हमारे पास म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 फिर 1/r1 - 1/r2, ये तो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही सही। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये कट जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 - 1 क्या हो गया 0, तो 1/f इक्वल टू क्या हो गया 0, फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट। अब ये क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ है, ये कैसे हुआ, मतलब आप देखो तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो फोकल लेंथ क्या आई इनफाइनाइट, पावर क्या हो जाएगी 0। तो ये जो लेंस है यहां पर वो एक सिंपल ग्लास की तरह बिहेव करेगा, प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा बिकॉज फोकल लेंथ इनफाइनाइट किसकी होती है, प्लेन ग्लास की। कर्व ग्लास अगर लोगे तो उसको लेंस कहते हैं और लेंस की कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होती है, बट वो लेंस कब प्लेन ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, जब सराउंडिंग मीडियम उसका जो होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो। तो आप देखो यहां पर देखना, आप ये लेंस है, सपोज करें लेंस है ये वाला और ये सराउंडिंग मीडियम है, तो सराउंडिंग मीडियम हो गया तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो यहां पर रे बेंड नहीं होगी, यहां पर रे का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जो रे आई है स्ट्रेट वो स्ट्रेट चली जाएगी, कोई फोकस नहीं है, सिंपल प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा क्योंकि यहां पर मीडियम चेंज हुआ ही नहीं, ये मीडियम था और लेंस के अंदर रे गई तो वही सेम मीडियम है, तो जब मीडियम चेंज नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो रे मुड़ेगी नहीं, और रे नहीं मुड़ेगी मतलब ये कैसे बिहेव करेगा लाइक प्लेन ग्लास। तो इन दिस केस लेंस बिहेव्स लाइक प्लेन ग्लास, इन दिस केस लेंस बिहेव्स लाइक प्लेन ग्लास जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है इनफाइनाइट, पावर क्या होती है 0, ठीक है, प्लेन ग्लास कह सकते हो, प्लेन ग्लास मतलब प्लेन ट्रांसपेरेंट प्लेट भी कह सकते हो उसको, ट्रांसपेरेंट प्लेट भी कह सकते हैं, प्लेन ग्लास का मतलब ट्रांसपेरेंट प्लेट भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये केस हो गया, अब इसके बाद एक केस और ले लेते हैं, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। अब ये उल्टा केस हुआ, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, तो आपको जैसा पता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है। अब जैसा कि आपको पता है 1/f इक्वल टू होता है म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1, तो 1/r1 - 1/r2, ठीक भाई। अब म्यू एम बड़ा है म्यू एल छोटा है, तो अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो ये वाली जो वैल्यू आएगी जो आपकी म्यू एल अपॉन म्यू एम है इसकी जो वैल्यू आएगी ये एक से छोटी आएगी। अब एक से छोटी का मतलब सपोज 0.9 है, 0.8 है, 0.6 है, जो भी है, तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू आपकी, ये वाली वैल्यू ये एक से छोटी आएगी, लेस देन 1। अब लेस देन 1 मतलब 0.9 माइनस 1 करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी,
इसका मतलब 1 अपॉन एफ जो फोकल लेंथ आएगी, इसकी ओवरऑल वैल्यू सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आ रही है, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। अब ये वही लेंस है जिसको हम बात कर रहे थे जो पहले एयर में, जो पहले एयर में था तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, अब वो ऐसे मीडियम में चला गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा है तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कॉनकेव लेंस की। अब इस केस में क्या होगा, लेंस अपनी बिहेवियर चेंज कर लेगा। अब लेंस अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है तो अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है मतलब वो कॉनकेव बन जाएगा, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी मतलब वो कॉन्वेक्स बन जाएगा। सो इन दिस केस लेंस चेंज इट्स बिहेवियर, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। नाउ अब हम कह सकते हैं नाउ कॉन्वेक्स लेंस, नाउ कॉन्वेक्स लेंस बिकम्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस बिकम्स कॉनकेव, कॉनकेव मतलब हो गया आपका डाइवर्जेंट, बिकम्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस बिकम्स कॉनकेव, और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस बिकम्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव बन जाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स बन जाएगा, वाई से वर्षा। क्लियर? तो जब ऐसे मीडियम में डाल दोगे जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, उस केस में लेंस अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मुझे बताओ। यहां पर सपोज करें ये एयर बबल है, एयर बबल, तो ये एयर बबल है और एयर बबल रखा हुआ है पानी में, वाटर में डिप्ड है ये। ठीक है, तो बताओ एयर बबल जो वाटर में डिप्ड है ये कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव? इसमें आप देखो शेप तो कैसा है इसका, शेप आप देखो कॉन्वेक्स शेप है, ये कॉन्वेक्स शेप है ना, बट ये क्या है, वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है ज्यादा होता है, एयर का कम होता है, तो इसी केस का एग्जाम्पल है। तो ये जो एयर बबल है यहां पर इट बिहेव्स लाइक कॉनकेव, यहां पर हम कह सकते हैं एयर बबल जो होगा, दिस बबल बिहेव्स लाइक विच लेंस, ये दिख तो रहा है कॉन्वेक्स लेंस बट ये कैसा बिहेव करेगा, बिहेव लाइक कॉनकेव लेंस, ये इसी केस का एग्जांपल है। क्लियर? तो ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, तो ये केस हुआ। अब इस पर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं हम, ये न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखें और करें भी सही, खुद करें, आपको मैंने केस तो बता ही दिया, खुद करें, सेल्फ करें, ट्राई करें, डेटा मैं लिख देता हूँ उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन नोट उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखोगे, पहले आपको ट्राई करोगे। ग्लास कॉन्वेक्स लेंस है तो म्यू जी दे रखा है एज ए फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, When placed in air, तो एक ग्लास का लेंस है, हवा में रखा हुआ है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, what would be the focal length of lens when it is immersed in water? तो आप देखो फोकल लेंथ कितनी 8 सेंटीमीटर एयर में है, तो ग्लास है 1/f equals to mu glass with respect to air, तो मीडियम की जगह मैंने क्या लिख दिया, एयर माइनस वन, और यहां पर आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज चलता रहेगा। अब 1/f, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, मैंने लिख दिया 3/2, एयर का तो 1 होता है, माइनस 1, और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो 3/2 माइनस 1 क्या होगा, 3/2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इंटू ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, ये बार बार लिखना पड़ रहा है, लिख रहे हैं हम, इसको आप सी कॉन्स्टेंट भी मान सकते हो। ठीक है, इसको पूरे को आप, क्योंकि पानी में डिप करने से रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदलती है, लेंस है पानी में डाल से फूल, पानी में डालने से फूलेगा तो नहीं क्योंकि रेडियस बदल जाएगी, तो लेंस है, रेडियस ग्लास है तो रेडियस उसकी फिक्स रहेगी, तो इसको आप पूरे को कॉन्स्टेंट भी मान सकते हो, सी लिख कर लिखो, बार बार इतना ब्रैकेट लिखना नहीं पड़ेगा,
इसको सी लिख दूं, क्लियर, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1/f, यहीं पे लिख देता हूं। इस पूरे को क्या लिखना है मुझे, सी, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इस पूरे ब्रैकेट को मैंने सी लिख दिया। अब मुझे बताओ एफ हो गया अपने पास, एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू ये 1/f इक्वल टू सी बाई टू है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/c, ठीक है, एफ की वैल्यू 2/c है, राइट, ये हो गई पहली इक्वेशन। अब इस केस में आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं, तो हमने क्या किया, इसको पानी में डिप कर दिया, तो पानी में डिप किया तो कहां इफेक्ट आएगा, मीडियम पर, और मीडियम कहां है, ये रहा, पहले क्या था, एयर था, अब यहां पे जो पहले एयर था तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 था, मगर अब 1 नहीं होगा, अब इसको पानी में डाल दिया आपने, तो फोकल लेंथ क्या होगी देखना। अब मैं लिख रहा हूं 1/f' इक्वल्स टू म्यू ग्लास, कहां पर है, म्यू वाटर में, -1। अब आगे लिखना होता है 1/r1 -1/r2, तो मैं यहां पे सी लिख देता हूं, इंटू सी। अब ध्यान से देखना, वैल्यू पुट कर रहा हूं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, पहले भी लिखा था, और यहां लिखा हुआ है 1, ये किसका, एयर का। अब नीचे क्या लिखना है, वाटर, क्योंकि वाटर में डिप कर दिया, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 -1 इंटू सी, क्लियर है। अब ये जो 3 है ये ऊपर आ जाएगा, तो यहां से 3 हटा दें और ये ऊपर ले जाते हैं, तो ये 3 यहां आ गया, तो ऊपर तो आया 9, नीचे आएगा 8, तो 9/8 -1, तो 1/f' की वैल्यू निकालूं, ये क्या आएगी, 9/8 -1 इंटू सी। अब 9/8 -1 सॉल्व करेंगे, 8 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1/8, तो 1/f' की वैल्यू आ जाएगी, 8 एलसीएम लेंगे तो 9 - 8 क्या होगा, 1/8 इंटू सी, मतलब c/8। तो फोकल लेंथ क्या होगी, अब जो फोकल लेंथ होगी एफ डैश, इट इज 8/c। तो एयर में फोकल लेंथ क्या थी, 2/c, अब फोकल लेंथ क्या हो गई, 8/c। तो 8/c को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 × 2/c लिख सकता हूं, बिल्कुल 4 × 2/c, और 2/c की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, पुराना वाला फोकल लेंथ, तो यहां पर 2/c की जगह फोकल लेंथ पुट करूं तो नई फोकल लेंथ हो जाएगी 4f। सो एफ डैश पानी में डिप करने के बाद जो नई फोकल लेंथ आई है, इट विल बी 4 times ऑफ फोकल लेंथ विच इज इन एयर। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपको बोला है एयर में फोकल लेंथ एफ है, तो वाटर में डिप करने के बाद क्या होगी, 4f, पहला क्वेश्चन। अगर एयर में फोकल लेंथ एफ है तो वाटर में डिप करने के बाद फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, तो आपने देखा 4 times होगी, मतलब इंक्रीज होगी। फिर आपको बोला है फोकल लेंथ कितनी, 8 है एयर में, तो वाटर में डिप करने के बाद कितनी हो जाएगी, आपके पास 4 ऑप्शन ही दिख रहा है करेक्ट ऑप्शन, 8 से 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 4 times होता है, 32 आंसर है इसका, 32 cm हो जाती है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सेम है, आप कॉन्सेप्ट बनाओ फिजिक्स का, क्वेश्चन तो कैसा भी चेंज होकर आ सकता है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन में कभी डिफीट नहीं खाओगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब आप आ जाएं नेक्स्ट, इसका एक और क्वेश्चन देखो लास्ट। द कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ऐसे मीडियम में डिप करोगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, देन इट्स फोकल लेंथ क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे मैंने आपको कहा था वाटर में डिप करने से क्या होती है फोकल लेंथ, 4 times, तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब कॉन्वेक्स लेंस डिप्ड इन अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है उसको ऐसे लिक्विड में डिप कर दें तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, अनचेंज रहेगी, बिकम्स स्मॉल बट नॉन जीरो, नॉट जीरो, बिकम्स जीरो, बिकम्स इन्फिनिटी, आप बताएं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो आपने पढ़ा ये वाला केस, केस आप पढ़ चुके हो, तो केस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, क्या केस है, कॉन्वेक्स लेंस डिप्ड इन लिक्विड, तो हमने पढ़ा ऐसा लेंस और उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डिप कर दोगे तो वो प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करता है, सिंपल ग्लास की तरह बिहेव करता है, ट्रांसपेरेंट प्लेट की तरह बिहेव करता है, और प्लेन ग्लास की फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट, क्योंकि वो रेस को फोकस नहीं करता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ विल बिकम्स
इंफिनिटी। क्लियर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था अबाउट लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।